स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर के अतिथि अध्यापक एकजुट होकर एक निर्णायक अंतिम संघर्ष करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, इस हेतु से हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ 22 द्वारा प्रदेश भर में जन जागरण अभियान आरंभ किया हुआ है। इसके तहत मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज अंबाला मंडल की एक विशेष बैठक अंबाला कैंट में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल अतिथि अध्यापकों को एकजुट करके जगाना है, बल्कि प्रदेश सरकार को भी जगाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कहा था कि भाजपा सरकार के आते ही सभी गेस्ट टीचर्स को पहली कलम से पक्का कर दिया जाएगा। इसके बाद ये दो बार सत्ता में आने के बाद भी गेस्ट टीचर एक मुश्त राशि पर अपना पेट भर रहे हैं, इनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है। एक्ट बनाया गया है उसमें भी सेवा सुरक्षा ही दी गई है, लेकिन अन्य कोई सुविधाएं नहीं दी गई है। मेडिकल अलाउंस ग्रेजुएटी देने का वादा शिक्षा मंत्री ने किया, वो भी पूरा नहीं किया गया है। माननीय हाईकोर्ट ने समान काम समान वेतन का फैसला भी दिया, लेकिन सरकार ने वो भी नहीं प्रदान किया है। रही सही कसर सरकार ने विभाग के साथ मिलकर गेस्ट टीचर के तबादले सैकड़ों किलोमीटर दूर करके कर दिए हैं। गेस्ट टीचर्स पक्के टीचर से आधे से कम दाम पर काम कर रहे हैं। मंडल स्तर की इस बैठक में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला के सैकड़ों गेस्ट टीचर उपस्थित रहे। मंडल स्तरीय इस बैठक को हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गुर्जर, पंचकुला जिला अध्यक्ष अमित सिंगला, नारायणगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौहान, कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, करनाल जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह, गुरुदत्त शास्त्री, यमुनानगर जिला अध्यक्ष जगदीप भूषण, सुशील कुमार एवं अनिल जटियान आदि ने भी संबोधित किया। तो आइए पहले प्रदेशाध्यक्ष के विचार सुनते हैं, फिर अन्य वक्ताओं के विचार सुनते हैं। आदरणीय साथियों, ये जन जागरण अभियान हरियाणा प्रदेश के चार मंडलों में चलाया गया है। इससे पहले हिसार से शुरू हुआ, उसके बाद रोहतक, आज अंबाला और 11 मार्च को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में गुड़गांव मंडल का कि क्यों जरूरत पड़ी। साथियों, आप सभी को पता है परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल रही है। पिछले दिनों मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास नहीं रखता, किसी पे दोषारोपण करने में विश्वास नहीं रखता, मैं अपनी शैली से काम करने में विश्वास रखता हूं। ये जन जागरण अभियान हर उस गेस्ट टीचर तक पहुंचाने का काम करने के लिए चलाया गया है जिसकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अभी साथियों ने कहा था कि किसी को मेरे लिए आने की जरूरत नहीं और मुझे तुम्हारे लिए आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा भी रोजगार जुड़ा हुआ है, मैं भी एक गेस्ट टीचर हूं। यदि मायूस होता तो मैं भी हो जाता। मेरे लिए तो बहुत कांटे बीते गए हैं, बहुत सी चुनौतियां मेरे सामने आई हैं, बहुत से एलिगेशन, बहुत सी बातें, बहुत सी अफवाहें जिनका मुझे सामना करना पड़ा है। लेकिन सच्चाई के साथ यदि मैं था तो आज आपके बीच में खड़ा हूं। साथ मैं बात ज्यादा पुरानी बताना चाहता हूं कि जिस दिन 27 जनवरी को करनाल में 2006 27 जनवरी को संगठन खड़ा किया था, आस 22 का गठन किया था, आप में से मेरे ख्याल में 10-20% ही साथी होंगे उस समय जो लगे थे।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं हास भाई के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री जी। आज मंडल स्तर पर काफी संख्या में आपके उत्साही योद्धा इकट्ठे हुए, तो क्या कुछ संदेश दिया गया? तो ये संदेश एक जन जागरण अभियान के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के तमाम गेस्ट टीचरों को एकजुट करने के उद्देश्य से किया गया है। जी जी, हरियाणा सरकार ने सत्ता में आने से पहले जी हमसे वादा किया था कि हम पहली कलम से आपको नियमित करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार भूल गई और हमें एक 58 साल की जॉब सिक्योरिटी देकर हमें उसमें ना कोई फैसिलिटी, ना कोई सुविधा, ना हमारे रिटायरमेंट साथियों के लिए, ना हमारे जो साथी बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो इस के लिए हमारे अंदर रोष और गुस्सा है कि भाई 8.5 साल बीत जाने के बाद भी, सत्ता में आने के बाद सरकार ने हमारा साथ किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया। तो वो वायदा याद दिलाने के लिए फिर एक बार हरियाणा प्रदेश के तमाम गेस्ट टीचर एकजुट हो चुके हैं और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अपना हक और अपनी जो नियमित की जो लड़ाई है उसको हर परिवार के साथ जोड़कर, हर नागरिक के साथ जोड़कर सरकार के पास पहुंचाएंगे कि भी आपने जो सत्ता में आने से पहले वायदा किया था उसका पूरा कीजिए, नहीं तो फिर हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचर अपनी आन बान शान बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा मजबूरन। इसके लिए जिस सरकार जिम्मेवार हो। धन्यवाद आपका। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो साथियों, आप सब यहाँ बड़ा पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सतपाल जी ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ किस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने आप को जगाने के लिए, अपने साथियों को जगाने के लिए, उनको साथ में जोड़ने के लिए। कोई साथी किसी कारण से रुष्ट है, कोई साथी किसी कारण से रुष्ट है, उन सब को मनाकर अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि आगामी जो कार्रवाई है वो इस तरह से की जाए कि सरकार को मौका ना मिले कोई भी बात ये कहने का कि ये प्रोग्राम आपका, ये काम आपका, हम इस वजह से नहीं कर सकते, सरकार को कोई भी ऐसा मौका ना मिले। और अगर हमारे सभी साथी जितने भी हम हैं, 12 से 13 हज़ार या 13 से 14 हज़ार, सारे मिलकर के एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े होकर हम सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं झुकेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, 101% सरकार हमारी बात मानेगी। लेकिन अगर हम सारे इकट्ठे होकर एक मंच के नीचे आएंगे, तब ये नहीं कि 3-4 धड़े हों कि मैं अलग खड़ा हूँ, शास्त्री जी अलग खड़े हैं, प्रदीप अलग खड़ा है, शशि भूषण जी अलग खड़े हैं, तब ये काम संभव नहीं है। जैसा आज की स्थिति है, हर एक आदमी अपने आप को अध्यक्ष मान के आगे प्रभु शो कर रहा है, लेकिन उस अध्यक्ष की पावर कितनी है। साहब ने कहा असली उत्तर देंगे जिंदर शास्त्री जी, जो टेक्निकल उत्तर है जो भी है। हम तो अपनी देसी भाषा के अंदर आपको बताऊँ कि कसूर किसका, कसूर तो हम गेस्टों का, हमारे कर्मों का हम गेस्ट टीचर लगे। इतनी सी बात, अगर ऐसे कर्मों में हम गेस्ट टीचर क्यों लगे, और पक्के लगे दुनिया लगी ही, और कसूर किसका कर दें, और एक दूसरा कसूर कर देंगे ना, वो तो हमारी देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। अपने कर्मों का फल है, लेकिन ये अभी जो हमारे कर्मों के अंदर लिख दिया ना, उसको हम किस प्रकार से सीधा करके अपना जीवन जिए, ये आपके हाथ में है। अब उसका तरीका यही था, मैं तो जहां भी भाषण में कहता हूँ, जब तक संघर्ष करते रहोगे तुम्हारी नौकरी चलती रहोगी। आपका तो ना गेस्ट टीचर का नाम ही है, तो संघर्ष करना है आपने, करते रहोगे आपकी नौकरी चलती रहेगी। इसका समाधान कब होगा कोई देखो, हमें तो पता नहीं है। इतनी सी बात है, कभी कोई कब तो भी लगे, इस साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हो सके, अगले नहीं हो जाएगा। आज माना सीख लो दर्द को भी दोस्तों मेरे, गुनगुनाना सीख लो, डूबने से डर गया जो वो पार किया जाएगा, इसलिए तुम समुन्द्र के किनारे घर बनाना सीख लो। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शास्त्री जी, भाई सतपाल शर्मा जी, शशिभूषण जी, प्रदीप गुज्जर जी, और सभी ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधान और मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं सभी को क्रांतिकारी नमन करना चाहूँगा कि आज 17 वर्षों के बाद भी आपके अंदर वही उत्साह, वही जोश है,
जो 17 वर्षों से पहले था, क्योंकि आप आज रविवार है, छुट्टी वाले दिन भी आप यहाँ चलकर आए हैं इस धरा पर, तो ये छोटी बात नहीं है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। दूसरी बात, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा भाई, अभी आम गेस्ट की बात है, आम गेस्ट का कोई चूर नहीं है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ भाई। 2014 के अंदर दिल्ली जंतर मंतर पर आम अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें हमारे आदरणीय साथी राजेंद्र शास्त्री जी बैठे हुए थे। ये छोटा बलिदान नहीं था, इतने लोग आम अनुष्ठान कर रहे हैं, और एक ऐसा आंदोलन इतिहास के अंदर जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री चलकर खुद आया। लेकिन अब सोचने की बात है, विचारने विषय हमारे सामने, हमें उस फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? आम लोगों का दोस्त था या इन साथियों का दोस्त था जो वहां अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे थे? दोस्त होता है अलग ग्रुप का, अलग संगठन का, और उस है भी बस रेगुलर होना आपकी बार, तो चाहे कुछ भी हो जाओ, और उसके लिए जिस भी साथी की जो भी ड्यूटी लग गए, भी साथियों को एक मंच पे लाना है, तो उसके लिए हर एक साथी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेगा। साथियों बिल्कुल निराश मत हो, हताशा का माहौल बिल्कुल ना पैदा करो। आपके जो समीकरण है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उत्साह के भाव में बहुत से साथी अजगर रह गए। उन्होंने कहा भाई शास्त्री जी आ गए, खुल्लर साहब आ गए, दैया साहब आ गए, भाई अपना आप हो जाएगा काम, काम तो हो जाएगा। लेकिन साथियों सरकार ये देखना चाहती है क्या ये वास्तव में सारे एक है कि नहीं है। एक बात आप जरूर याद रखें कि जिस दिन हम पक्के होंगे, नियमित होंगे, क्या उस दिन हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा? नहीं। आप रेगुलर की यूनियन को देख लीजिए, कोई ओपीएस के लिए, कोई किसी चीज के लिए अपने आंदोलन, अपने संघर्ष जारी रखे हुए हैं। साथियों ये बात अपने मन से निकाल दो कि नियमित होने के बाद आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समस्याएं आपकी फिर भी रहेंगी, और उन समस्याओं के लिए हमें फिर भी लड़ना पड़ेगा। और रिटायरमेंट जब लास्ट का जो अतिथि अध्यापक रिटायर होगा, उसको भी उस रिटायरमेंट के दिन तक संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों लिखी थी मैंने भाई, अपने रोजगार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने रोजगार के लिए आइए, ना राजेंद्र शास्त्री के लिए आइए, ना किसी यूनियन के लिए आइए, अपने रोजगार को बचाने के लिए आइए। साथियों ये भी मत भूलो के कहीं ना कहीं जो जोश होता था, जो जुनून था, वो बहुत कम नजर आता है। उम्र का पड़ाव भी है, लेकिन हमारे साथ जो 17 साल से शोषण हो रहा है, और जो हमारे साथी हमारे बीच में से चले गए हैं, अभी अभी कुछ दिन पहले भी बिल्कुल नज़दीकी साथी थे जो जिनको जानते थे, परिवार की हालत बहुत बदतर है उनकी आज, और हम 2 दिन ओम शांति लिख करके उनसे दूर चले जाते हैं, और शायद उनके परिवार के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते कि उनकी हालत क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी अनहोनी किसी साथी के साथ ना हो, और जो भी हमारे सपने थे, चाहे वो बहन राजरानी के, और चाहे वो दिवंगत साथी जो हमारे बीच में से चले गए हैं, तो हम सब मिलजुल करके और बड़ी सूझबूझ के साथ में, क्योंकि अंतिम समय है सरकार का, और इस समय में हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे से छोटी गलती ना हो। पिछली सारी जो भी हमारे में कमियां रही हैं या सरकार की तरफ से रही हैं, अब कोई भी ऐसी कमी ना रहे जिससे हम हमारे लक्ष्य को चूक सकें। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी अपने साथी स्टेट कमेटी की तरफ से ड्यूटी लगाते हैं, चाहे वो बात कलेक्शन की हो, क्योंकि हमें सड़क और कोर्ट दोनों की लड़ाई बड़े अच्छे तरीके से लड़नी होगी। अभी कल परसों जो केस था उसमें भी पता चला कि कुछ ना कुछ साथी, 2-3 पार्टियां कुछ रह गई थी, डिटेल मुझे ज़्यादा नहीं पता है,
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी विषय हो, चाहे वह कोर्ट का चाहे सड़क का, कहीं भी कोई ढील ना हो, और जैसा भी हमारी स्टेट कमेटी जो भी ड्यूटी लगाएगी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर एक गेस्ट टीचर तक दोबारा से पहुंचे और उनको संगठन में लेकर के अच्छे से जो लड़ाई है वो लड़ सके, ताकि हम हमारे लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। तो मैं राजेंद्र शास्त्री जी को और जितने तमाम सक्रिय साथी हैं, सीनियर साथी हैं, मैं अपनी तरफ से और कुरुक्षेत्र जिला की तरफ से यह आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी आप काल दोगे, हम संघर्ष में हर तरह से आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप बिल्कुल सूझबूझ से और अपना 17 साल का जो अनुभव है उसमें कहीं कमी ना रहे। सारा कुछ करा लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं आ रही। इन्होंने एक ही बात कही कि चिंता ना करो भूषण, एक दिन क्या नाम है, हमारे साथ लोग आएंगे कि हम सच्चाई के मार्ग में, हम ईमानदारी के मार्ग में, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है, अगर शास्त्री जी ने गलत करा होता तो आज इतनी संख्या ना होती। हमारे साथी ने ईमानदारी से आगे बढ़कर अपने आंदोलन को, अपनी यूनियन को आगे चलाया और हम एक सही रास्ता दिखाया। हमारे मेरे साथी जो बीच में काफ़ी लोग साथी प्रवक्ता बोल के गए हैं कि क्या ना, अपना जो है हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने एक छत के नीचे हम रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, हमें इधर उधर ना जाकर अपने एक छत के नीचे रहें तो ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा वो सही रहेगा। जैसा कि आपको पता है जन जागरण अभियान की जरूरत क्यों पड़ी है, पीछे जो सीन हुआ साथियों ट्रांसफर में, हमारे साथी कितने परेशान हुए थे, जो परेशान हुआ है उसको ही पता है, जिसके ऊपर बीती है, जो मेवात गया, जो 400-400, 300-300 किलोमीटर गया, जिनके घर के चूल्हे बंद हो गए, साथियों उनको पता है जब तक मेरी ट्रांसफर नहीं हुई मैं अपने स्कूल में बैठा हूँ, मैं शास्त्री जी को गालियां दे रहा हूँ, शास्त्री जी बेवकूफ़ है, ट्रांसफर के चक्कर में लग रहा है, तनख्वाह बढ़वा दे। लेकिन जब किसी के घर परिवार का सारा ही सिस्टम खत्म हो गया, कमाने वाला था वही मेवात चला गया, पीछे माँ बाप बच्चे सब कुछ सिस्टम ही खराब हो गया, तो साथियों वो क्या करेगा, उसको क्या करेगी तनख्वाह, उसको सबसे पहले वो ये सोचेगा मैं अपने घर के पास आ जाऊँ, उसके बाद देखेंगे बाकी का सिस्टम। तो हमारे जो शास्त्री जी हैं बड़े सुलझे हुए हैं, इन्होंने एक एक स्टेप समय समय पर हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक एक साथी को ध्यान में रखते हुए उसको अपने घर के पास अपने ज़िले में लाने के लिए पूरा दिन रात संघर्ष किया। साथी की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ और बहुत से विवाद हुए साथियों, मैं साथ में रहता था शास्त्री जी के, भाई शशि भूषण जी हो गए, जसमेर जी हो गए, हमारी पूरी हाथ वाइस की टीम दिन रात लग के अपने लगभग मैक्सिमम साथियों को अपने घर के पास लाने का काम हमारे शास्त्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जो कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी साथियों, वे भी बहुत जल्दी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगे, उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे। लेकिन जन जागरण अभियान के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज वो समय नहीं है कि अभी हम यहाँ बैठे, शास्त्री जी का सिक्का चलता था तो उस सिक्के से ही काम हो जाएगा, क्योंकि जब पीछे सीएम साहब से मीटिंग हुई तो सीएम साहब ने स्पेशल अधिकारियों के आदेश दिए कि यह हमारी पुरानी टीम है और जो ये कहेंगे काम करना है। लेकिन जब टीम काम करने लगी, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं वो अपना अपना अलग अलग झुंड बना के जब कोई काम उड़ाता है बस अपना वही बात धंधा छेड़ देते हैं, और वहाँ से वो रिपोर्ट सीधी हमारी अधिकारियों के पास जाती है, सीआईडी से ला ले, हमारे साथियों से लगा ले, और फिर अधिकारी सोचते हैं सीएम साहब ने तो इनकी ड्यूटी ला रखी, लेकिन ये तो सिस्टमों कुछ और चल रहा है। हास भाई के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने आह्वान किया कि धरातल पर गेस्ट टीचर्स को अब एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर 11 सदस्यीय कमेटी एवं जिला व मंडल स्तर पर भी 11-11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद ब्लॉक जिला इकाइयों को बेहद मजबूत किया जाएगा, ताकि आने वाले समय जो प्रदेश स्तरीय रैली हो उसमें हजारों की संख्या में अतिथि अध्यापक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि अपने मंजिल को प्राप्त करने में संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन प्रदेश भर के अतिथि अध्यापकों को एकजुट करने का कार्य करेगा, ताकि एक मंच पर आकर वो अपना अंतिम संघर्ष लड़ सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समय रहते उनकी मांगों को स्वीकार कर ले, वरना निर्णायक जंग प्रदेश सरकार के खिलाफ ही छेड़ दी जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी ब्लॉक व जिला अध्यक्षों समेत प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों से आह्वान किया कि वे धरातल पर कार्य करें, वे सभी अतिथि अध्यापकों को एकजुट करें। उन्होंने कहा कि कोर्ट में भी अतिथि अध्यापकों की लड़ाई बेहद मजबूती के साथ लड़ी जाएगी।
अंबाला मंडल की अधिक संख्या से सभी अतिथि अध्यापक आज उत्साहित नजर आए। स्टेट न्यूज पर अंबाला जिला के अध्यक्ष विनय जैन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शशि भूषण, कमल वालिया, राज किशोर, कुलदीप चौहान पंचकुला से, अमित सिंगला, प्रदीप गुर्जर यमुनगर से जो है, भूषण जगदीप, अश्विनी कुमार सतपाल शर्मा कुरुक्षेत्र जिला से, राजेंद्र, सुनील सुरेश कैथल से, सुभाष सुद्दाम, सुनील वीरेंद्र रोहतास सहित सैकड़ों की संख्या में गेस्ट टीचर उपस्थित रहे। इस मंडल स्तरीय बैठक में काफी संख्या में महिला अतिथि अध्यापक भी उपस्थित थे।